नमस्ते, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। हम बात कर रहे हैं उत्सव मेडिकोस एंट्रेंस सीरीज की और आज हम बात करने जा रहे हैं जीएनएम की। किसकी बात करने जा रहे हैं? जनरल जीएनएम की। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? जीएनएम की। ठीक है, तो जीएनएम का जो पूरा नाम होता है साहब, वो होता है जनरल जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी। ठीक, जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी। तो जैसा कि इसका जो पूरा नाम है जीएनएम, ठीक है, तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि कोर्स क्या है ये। ठीक है, ये जो कोर्स होता है ये मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, मेडिकल नर्सिंग से, मेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग आती है और नर्सिंग आप जानते हैं क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जैसे आपको बताया था बीएससी नर्सिंग, ठीक है, उसके बाद हमने आपको डिप्लोमा में एएनएम बताया था। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं जीएनएम की। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? जीएनएम की। तो जीएनएम का हमने पूरा नाम लिखा है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। हम बात करने जा रहे हैं साहब इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। जे 3.5 ईयर एंड अंडर डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, अंडर डिप्लोमा, अंडर डिप्लोमा पैरा मेडिक्स से रिलेटेड कोर्स होता है। ठीक है, पहली चीज़ हमने जो आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, ये 3.5 साल का, 3.5 ईयर का अंडर डिप्लोमा, जैसे हमने आपको बताया था ENM, ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, वो कितने साल का था? 2 साल का था, मात्र 2 साल का, बट ये क्या है? 3.5 साल का है, 3.5 ईयर का। ठीक है, ये कितने साल का है? 3.5 साल का अंडर डिप्लोमा पैरामेडिक्स से रिलेटेड कोर्स होता है। ठीक है, अंडर डिप्लोमा पैरामेडिक्स मतलब पैरामेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, पैरामेडिकल का स्टाफ जो होता है पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्स होता है। ठीक है, 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स। ठीक, तो आप इसका इंट्रोडक्शन समझ गए कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या है, मैंने इसका जो परिचय दिया, ये 3.5 साल का अंडर डिप्लोमा पैरामेडिक्स से रिलेटेड कोर्स होता है। इसका पूरा नाम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, अब हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल कब होंगे? ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं? ठीक है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है, आपकी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी। ठीक है, सबसे हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करने जा रहे हैं साहब इसकी एलिजिबिलिटी की। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, जो कैंडिडेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम में 12th क्लास 50+ परसेंटेज किया, 50+ या 50% के साथ किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कक्षा 12वीं पास किया। ठीक है, वो जो व्यक्ति होना चाहिए, जो कैंडिडेट होना चाहिए वो भारतीय होना चाहिए। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं, ये मेडिकल से रिलेटेड कोर्स होता है। ठीक है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा कोर्स है और ये नर्सिंग का कोर्स है, डॉक्टर के बाद जो नर्स होते हैं ये उसका कोर्स होता है। ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग का कोर्स होता है, ये उनका कोर्स होता है। ठीक है, ये 17 साल, इसके इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम जो आयु होनी चाहिए आपके, जो मतलब कम निम्नतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए और जब अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान में कक्षा 12वीं में किसी मान्यता प्राप्त, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कक्षा 12वीं 50% से ज़्यादा, ठीक है, या 50% रिजल्ट के साथ आपको 12वीं पास करना जरूरी है। ठीक है, ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा जो एडमिशन का इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, इसका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसका एडमिशन का प्रोसेस, इसका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है इसमें भी वही होता है साहब। ठीक है, पहली चीज़ क्या होता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा क्या होता है? मेरिट बेस। और तीसरा क्या होता है? इंटरव्यू।
इसमें जो सबसे बड़ा जो जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो आप समझिए कि जो मेडिकल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि एम्स का हो गया, जिपमर का हो गया, बीएचयू का हो गया, ठीक है, एम्स, जिपमर या बीएचयू, तो उन सब में क्या होती है, आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है। बट जो आपके प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज होते हैं, ठीक है, उसमें क्या, कुछ जगहों पर मेरिट बेस आपको एडमिशन मिल जाता है, या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ जगहों पर मेरिट बेस एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा जो इंटरव्यू, मतलब आपके साक्षात्कार के तौर पे, ठीक है, जैसे अगला बंदा आपका जो जिस संस्थान इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ का आदमी आपके सामने बैठा होगा, वो आपसे साक्षात्कार करेगा, आपसे सवाल जवाब करेगा, आपसे डिबेट करेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के थ्रू आपसे क्या होगा, आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्स का तरीका है, मतलब आपको एडमिशन किस किस मतलब थ्री मिल सकता है, पहला एंट्रेंस के थ्रू आपको परीक्षा देने पर, दूसरा आपके हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट के बेस पे, तीसरा आपके इंटरव्यू को, ठीक है। तो इतने ही आपने जान ली क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसकी जो फीस होती है साहब, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में 20K, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में 50K टू 85K, ठीक है, ये सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में साहब जो इसकी फ़ीस होती है वो होती है 150K टू 235K, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर में इसकी फ़ीस होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ये आपने क्या जान लिया, एडमिशन का तरीका क्या है, ठीक है, आपको इसमें चाहिए दाखिला कैसे मिलेगा, ठीक, ये आपने जान ली कि इसकी एडमिशन का प्रोसेस। अब जो इसकी मेन बात है वो आपको बतानी है, ठीक है, जिस चीज़ को आप जान के पूरी तरह से चौंक जाएंगे, ठीक। नोट ईयर 2021, साल 2021 से इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ईयर साल 2021 से यहाँ पे एडमिशन क्लोज कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे दाखिला बंद हो गया है। आप समझिए ना कि एक बैचलर कोर्स होता था BSc नर्सिंग का, एक ANM होता है जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो भाई साहब 3.5 साल के डिप्लोमा कोर्स की क्या ज़रूरत है भाई। तो इस कोर्स को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2021 से, ठीक है, 2021 के सेशन से इस कोर्स में एडमिशन बंद कर दिया है, ठीक है। तो आप GNM नहीं कर सकते हैं, आपके सपनों पे पूरी तरह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने पानी फेर दिया, ठीक है, तो आप अपना प्लान बदल लीजिए। अब आप क्या करिए, सिंगल एंट्रेंस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, सिंगल, इसकी जगह पे सिंगल एंट्रेंस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग, आप वो करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप BSc नर्सिंग करें, ठीक है। आप जो है जब डिप्लोमा करना हो तो ANM करें, GNM के बारे में मत सोचें, क्योंकि जब डिप्लोमा ही कोर्स करना है तो 2 साल का सोचें, 3.5 साल का दिमाग में ना लाएं। और अगर आप GNM के बारे में सोच रहे हैं तो GNM आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सपनों में गवर्नमेंट ने पानी फेर दिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने आपके सपनों में पानी फेर दिया, आपके लिए अब BSc नर्सिंग है, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, इसमें जो GNM में बताने का हमारा जो मेन मोटो था वो ये था कि GNM आप नहीं कर सकते हैं, भारत में 2021 के बाद से 2021 से GNM में प्रवेश बंद कर दिया गया है, ठीक है, GNM में प्रवेश निषेध कर दिया गया है, अब आप GNM नहीं कर सकते, GNM कोर्स ख़त्म कर दिया गया है। अब GNM की जगह सिंगल एंट्रेंस लेवल का एक जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो है BSc नर्सिंग, क्या होता है BSc नर्सिंग, तो आप GNM की जगह क्या कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का आपका सपना पूरी तरह से अधूरा रह गया, अब आप बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग या ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि GNM क्या होता है, GNM कुछ नहीं होता है, GNM पहले होता था, अब GNM नहीं होता है, GNM का पूरा नाम है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, पहले GNM होता था, अब GNM नहीं होता है, ठीक है। अब देश में सिर्फ नर्सिंग के दो कोर्स होते हैं, पहला कोर्स है BSc नर्सिंग जो बैचलर कोर्स होता है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, UG प्रोग्राम होता है। दूसरा जो होता है ANM, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, ठीक है, ये जो है 2 साल का डिप्लोमा अंडर डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, दोनों में आपको नर्स बनाया जाता है, एक में आपको बैचलर डिग्री दी जाती है, एक में डिप्लोमा, ठीक है। ये तीसरा कोर्स था GNM जो बंद कर दिया गया, पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि GNM क्या होता है, GNM के बारे में हमने सब बता दिया। तो
आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।